भाभी अपने ढोलकपुर पंचायत से कौन कौन थाड़े हो रही नेते? गणपत की घरवाली फुंदो थाड़ी हो रही है ना, कांता नवातोर मीरा भाभी ना। तुम्हारे भदभद्या पंचायत से कौन कौन थाड़े हो रही नेते भाई? हमारे भदभद्या पंचायत से तो 4 जन थाड़े हो रही ने कहा भाभी, पर मुख दो जन को मालूम है, वो रतिराम डॉक्टर है ना, वो की घरवाली थाड़ी हो रही है, और ना वो बड़ के झाड़ जगह नहीं का गिड़पड़े डॉक्टर, वो की घरवाली भी थाड़ी हो रही है का है? भाई तुम्हारे गाँव में तो डॉक्टर डॉक्टर की लड़ाई ना पेशेंट को चकनाचूर दिख रहा है मुखते। भाभी अब हमारे दो ही घर से तो अच्छो छे, अब हम कौन को ओढ़ देना कौन खोनी कहीं समझ में नहीं आ रहे। भाई तुम्हारे गांव में 4 की जगह 11 जन थाड़े होती तो भगवान भी कहते मैं सबको जीता देवा हम। भाव की कसी तबियत है भाभी? तुम्हारे भाव तपन मिर्ची बेचन ले जाते रहे तो 2 दिन भाई पेचिस लग गई तो घर में छे, ते भाव की पेचिस बंद भई का नहीं थे भाभी? नी भाई है वो दिन रात जावा बड़े परेशान हो गई न, डॉक्टर घर नहीं ले जाते हो कहते भाभी? डॉक्टर घर ते नहीं ले गए वो, पर वो माता राम कहे का लाल लाइट को जलाने न दिखाने कहे ते रुक जाए कहे पेचिस पेचिस और कसकसी रुकन की थे भाभी लाल लाइट से। लाल लाइट जला है तो बड़ी बड़ी गाड़ी रुक जावा है, ते वो पेचिस की कौन सी बड़ी बात? भाभी ऐसी सुनी सुनाई बात पे ध्यान नहीं देने ना, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने। मुखो ऐसा लगा है तुम्हारे भाव को ना डिठच लगी हो है, मैंने गोबर की भी डाले है, ठेका की भी डाले है, ना बेसरम के पत्ता की भी डाले भाई, पर डिठच नहीं उतरी वा। भाभी ऐसे डिठ मुठ के चक्कर में नहीं रहने, ना पेचिस में तो शरीर में पानी की कमी हो जावा है, तुरंत अस्पताल ले जाने। अशोका भाई मैं आज ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। ठीक है तो भाभी फोन रखा। मीरा ऐसी जगह से जाते रहते बात नहीं करते रहे ना, आज बड़ी फुर्सत से आई है मांदी करन। काम धंधा के कारण भाई फुर्सत अच्छी मिलत रहे वो। ते तो को आज कैसी फुर्सत मिली? हमारे घर सरला के बाबू ने सुनो है का चुनाव की तारीख आ गई करके, ते मोह कहा है तोरो फार्म भर बोन, ते मैं कहा हमारे चुनाव उनाव के चक्कर में नहीं जान, अपने जगह पैसा कौड़ी नहीं है, ते मोह कहा है तो को नहीं समझे, अनवा पटकी जोड़ी रहे भाई हमारी 40,000 की, वो ते को 25,000 में बेच डारी। तोरी इच्छा नहीं है ते मत भरे। मैंने सरला के बाबू को कहे हम कम को मंच पे भाषण देते नहीं आए, अन मुख बीपी की शिकायत है तो मैं कभी चक्कर आए तो गिरपड़ हो जाऊं, तो कहा तू जब भी मंच पे जा जाओ तो मैं तेरे पीछे थाड़ू रहूं कहा। भाई तो सरला के बाबू जिदच कर रही है ते सरकारी मोर संग चलने फार्म भरन ली। मीरा भाभी मुखो मालूम भयो का तू सरपंच ली फार्म भर रही है करके? हाँ सही सुनी तूने। भाभी मैंने तोड़ ली नहीं नारा तैयार कर रहे हूँ भाई, मुखो ते नहीं आए वो नारा तुम उन्हें लिखे होते सुना भला? कीचड़ में गिर के चमके उसको कहते हैं हीरा, कीचड़ में गिर के चमके उसको कहते हैं हीरा, और ढोलकपुर पंचायत की सरपंच बनेगी मीरा। भाभी तोरे विपक्ष में खड़ी है ना कांता, तो मैंने वकील भी बनाए हैं एक, सुना भला? 4 चवन्नी थाली में कांता भाभी नाली में। मीरा ना तो वो कभी भाषण देली बुलाए थे, तू कसो भाषण दे जो? ढोलकपुर पंचायत के बहन भाव को मोरो प्यार भरो नमस्कार, मैं जसी सरपंच बनू उसी गोबरिया नाला की मछलिन को झाड़ पर से उतरवा हूँ, और नीचे बड़ो सो तालाब बना हूँ, और गांव में जो मच्छर की समस्या है ते मैं सबके लिए मच्छरदानी को सलवार सूट सिला हूँ, यो मोरो पहलो वादा है। का भाषण बनाई है वो मीरा एक नंबर? भाई मैं पहली दूसरी पढ़े हैं वो के हिसाब से बनाए हैं। भाई तो कल तैयार रहने फार्म भरन जाबोन। हाँ ठीक है। का बताना ही रहे मीरा? चुनाव में फार्म भर रहे हैं ते मोरे संग चल जो करके आई रहे। गणपत अपनी घरवाली फुंदो को फार्म भरन वालो है ते बोलत रहे का है कि सबके घर में है तो मुर्गा दारू और पैसे बिछा दूंगा, तो कैसी फुंदो चुनाव नहीं जीते कहते का है? गणपत को मालूम नहीं लगा है चुनाव आयोग के नियम कानून, अगर दारू मुर्गा बांटते पकड़ा गई ना तो सजा हुआ है उनको। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही थी कांता? मैं तो फार्म भर के रहूं ना गणपत को सबक सिखा के रहूं। कांता गणपत ते 5 महीना दिन से लोगन को दारू पिला रहे, वो मुखो तो लगा है का एक ड्रम पिला दिए हो अब लग। मैं तो कहा गणपत को तू इतनी दारू पिला लोगन को कि फुंदो के नाम की बटन दबाना भूल जाए लोग। मैं तो कहा दारू मुर्गा के बहकावा में लोगों ने अपनी वोट खराब नहीं करना चाहिए, जो योग्य है वो कोई वोट देना चाहिए। सही बात है भाई, मैं तो बिल्कुल दारू मुर्गा बिल्कुल नहीं बांटू, मैं तो अपने योग्यता पर चुनाव लड़ू। कांता भाभी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम मेरे साथ में प्रचार करन चलने? हाँ भाभी अभी तो लगा टाइम है। पहले मीरा के घर मैंने पूछे हैं तो कहे हम फार्म नहीं भरन कहे, हम तोरो साथ देबन कहे ना, अभी चुनाव की तारीख आई है भाई तो तैयार हो गए फार्म भरन ली। बात बिचारी फार्म नहीं भरू कहे वो मीरा, पर वो सरला को बाबू मानच नहीं रहे तो भाभी का करे। ठीक है भाई मोरे संग भी चलने, वो कल फार्म भरन ली। हाँ चलू तोरे संग भी। भाई गणपत की घर वाली फुंदो तो पढ़ी लिखी नहीं है वो ना, कसकसी पंचायत को काम संभालन की तो मोरे कहीं समझ में नहीं आए। भाई गणपत लिखे नहीं तो बेटा लिखे, हम एक दिन है ते आधार कार्ड सुधरान ली गए रहन ते फुंदो भी काहे मैं भी चलाऊं, ते मैंने कहा चल ते वहां देखो कहीं साइन करन साटी, ते भाई फुंदो के जगह नहीं आने फंदा लिख दी रे। का हसीन वो वे भी आधार कार्ड बनाने वाले मनमानी हसीन फुंदो साटी। मोरे कलारी भाषा चैनल के वीडियो देखन ली बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करने ना, कमेंट करके जरूर बताने कि हमको वोट